Hello everyone, this is Renu and I'm going to tell you about compound variation today. So compound variation kya hota hai? Isme more than two quantities hamare paas ho sakti hai. Two quantities bhi ho sakti hai and more than two quantities bhi ho sakti hai. Direct aur indirect variation ka mixture hota hai actually. Isme aapke paas both direct aur direct variation bhi ho sakta hai, indirect and direct variation bhi ho sakta hai and both इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन भी हो सकता है. तो तीन केसेस हो सकते हैं. तो मतलब कोई भी वेरिएशन का मिक्सचर हो हम एरो मेथड का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. एक प्रॉब्लम जो ऑफन होती है कंपाउंड वेरिएशन के क्वेश्चंस के साथ कि ये इसमें कई बार आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते कि इसमें इनवर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन है या डायरेक्ट वेरिएशन का ये क्वेश्चन है. कई बार नहीं हमें समझ आता. तो यूजिंग एरो मेथड वी कैन ईजिली फाइंड आउट, मतलब एरो का पॉइंटर के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएशन जा रहा है एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाती हूँ. तो पहला एग्जाम्पल मैं ये ले रही हूँ. इफ द वेजेस ऑफ 12 मैन फॉर 30 डेज बी रुपीज 4200, देन फाइंड आउट द वेजेस ऑफ 18 मैन फॉर 24 डेज, राइट. तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वांटिटीज यहाँ पर कौन कौन सी दी हुई है. वी हैव थ्री क्वांटिटीज हियर, मैन, डेज एंड वेजेस, ठीक है. तो 12 मैन 30 डेज तक काम करते हैं तो दे गेट द वेजेस 4200, राइट. तो हमें निकालना है 18 मैन का वेजेस फॉर 24 डेज, राइट. तो सबसे पहले विल नोट डाउन ऑल द क्वांटिटीज, लाइक वी हैव हियर मैन, डेज and wages. We'll note down man, 12 men working for 30 days get 4200, right. And we have to find out for 18 men working 24 days how many wages will they get. So we'll consider it x, right. तो हमने इसे x consider किया है. तो ये तो हो गया first step, we'll note down all the quantities. अब second step में हमें क्या करना है. बाय डिफॉल्ट हमारा जो पॉइंटर रहेगा एरो का वो एक्स, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी तरफ हम पॉइंटर्स का रखेंगे, राइट. ये बाय डिफॉल्ट है, वी हैव टू डू इट. तो जो भी अननोन क्वांटिटी है एक्स, वो चाहे इधर है या इधर है, एरोस का पॉइंटर हमेशा एक्स की तरफ रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बाकी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है इस अननोन क्वांटिटी से, राइट. तो यहां पर हम मैन और डेज को कंपेयर करेंगे वेजेस से वन बाय वन, राइट. सो अब हम मैन और वेजेस में कंपेयर करते हैं तो विल सी दैट कि 12 मैन का वेजेस है 4200, राइट. सो 18 मैन का वेजेस ऑब्वियसली 12 मैन के वेजेस से ज्यादा होगा क्योंकि मैन की क्वांटिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ मैन यहां पर बढ़ गए हैं तो वेजेस भी बढ़ेगा. तो बढ़ रहा है यहां पर, इसलिए जो बड़ी डिजिट होगी उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर होगा. एंड यहाँ पर बड़ी डिजिट है 12 और 18 में, 18 इज द बिगर डिजिट, राइट. तो 18 की तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. सेकेंड स्टेप इसी में डेज और वेजेस को हमें कंपेयर करना है. इसमें हमें देखना है कि 30 डेज का वेजेस 4200 है तो 24 का डेजेस उससे कम होगा. 30 दिन की कमाई इतनी है तो 24 दिन की कमाई 4200 से कम ही रहेगी. तो इन दोनों में जो भी कम डिजिट होगा उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. तो बिटवीन 30 एंड 24, 24 इज द लेसर डिजिट, तो 24 की तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये एरो के जो पॉइंटर है, यूजिंग दीज पॉइंटर्स हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड सॉल्व इट. तो पहला तो एक्स का जो भी अननोन क्वांटिटी है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. तो एक्स बाय 4200 विल नोट इट डाउन इक्वल्स टू जो भी वी मैन का केस देखें तो 18 की तरफ पॉइंटर है तो 18 को हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में बाय 12 इनटू डेज में हमारे पास एरो का पॉइंटर 24 की तरफ है तो 24 को विल कीप इट इन द न्यूमरेटर एंड नीचे हम रखेंगे 30, राइट. अब सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एक्स की वैल्यू हमें यहां पर गेट करनी है, राइट. 24 बाय 30 इंटू 4200. सॉल्विंग दिस इक्वेशन मीन्स सॉल्विंग दिस विल गेट दैट इट विल कम अराउंड
5040. So wages for 18 man, if they work for 24 days, comes out 5040, that is 5040. तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रिसाइज सा मेथड है जिससे हम इजिली कोई भी कंपाउंड वेरिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब चलिए एक और एग्जाम्पल हमने लेते जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग 8 आवर्स ईच डे कैन 12 मैन डू द सेम वर्क एज 10 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे डू इन 16 डेज. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो जो पहले हमें क्वांटिटीज दी है, तीन क्वांटिटीज भी है, आवर्स मैन एंड डेज, राइट. तो नेक्स्ट है मैन आवर्स एंड डेज विल नोट डाउन द क्वांटिटी. 10 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे वर्किंग 9 आवर्स कंप्लीट द जॉब इन 16 डेज. नेक्स्ट इज 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स विल कंप्लीट द जॉब इन हाउ मेनी डेज, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो एज आई सेड कि सबसे पहला स्टेप है कि एरो का पॉइंटर बाय डिफॉल्ट एक्स की तरफ रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट हमें बाकी टू क्वांटिटीज से कंपेयर करना है इस वाली क्वांटिटी को. तो फर्स्ट हम मैन से कंपेयर करेंगे. 10 मैन कंप्लीट करते हैं उस जॉब को 16 डेज में. 12 मैन कम टाइम लगाएंगे, लेस देन 16 ही लगाएंगे ऑब्वियसली. तो इन दोनों में जो भी लेस डिजिट होगा उसकी तरफ हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. ओके, देन कमिंग टू आवर्स एंड डेज. 9 आवर्स अगर कोई बंदा रोज काम कर रहा है तो काम कंप्लीट हो रहा है 16 डेज में. अगर आवर्स का ड्यूरेशन कम हो गया, 8 आवर्स से वो काम कर रहा है तो कितने डेज में कंप्लीट होगा ये हमें निकालना है. तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेंगे क्योंकि 8 घंटे हो गए हैं तो डेज कम हो जाएंगे, तो सॉरी डेज ज्यादा हो जाएंगे. दैट्स वाई जो भी इन दोनों में ज्यादा बड़ी डिजिट होगी उसमें हमारा एरो का पॉइंटर रहेगा. तो यहाँ पर 8 और 9 में 9 इज अ बिगर डिजिट, तो विल पुट द एरो टुवर्ड्स 9. नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना, यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व द इक्वेशन. फर्स्ट हमें क्या करना है, x बाय 16 इक्वल्स टू, इसमें एरो का पॉइंटर 10 की तरफ है तो 10 बाय 12 इंटू, इसमें एरो का पॉइंटर 9 की तरफ है तो 9 बाय 8. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल सॉल्व दिस और इट विल कम अराउंड 15 डे. सो आंसर इज 12 मैन वर्किंग 8 आवर्स कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज. तो ये था क्वेश्चन कंपाउंड वेरिएशन का. ये बहुत ही इजी और मतलब बहुत ही शॉर्ट मेथड है टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.